इटर्नल स्टडी, आज हम फिजिक्स की क्वेश्चंस की सीरीज का आठवां वीडियो लाए हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगर इन वीडियोस के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, और डेली 5 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस चलते हैं, तो आप उसे देखना ना भूलें। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 175 क्वेश्चंस तक के डिस्कस कर लिया था, और आज उनके आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ रिचार्जेबल बैटरीज सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द सेल। तो इसका आंसर है केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो पूछा गया है कि इन अ रिचार्जेबल बैटरी सेल, तो रिचार्जेबल बैटरीज जो सेल होती हैं वो कौन से टाइप की एनर्जी को स्टोर करती हैं। तो इसमें केमिकल एनर्जी वो स्टोर करती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में एक बैटरी जो है वो एक डिवाइस है जो कि एक और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है उसमें परफॉर्म करती हैं, जो कि कन्वर्ट करती हैं स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस क्वेश्चन से जो पूछा गया है कि रिचार्जेबल बैटरी सेल है तो किस टाइप की एनर्जी को स्टोर करती है, तो इसका आंसर है केमिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, इन अ लेज़र, तो लेज़र में बात कर रहे हैं से नियॉन लेज़र की, तो ऑल द एटम्स एमिट द लाइट वेव्स ऑफ, तो लेज़र में जो भी एटम्स हैं वो किस तरह की लाइट वेव्स को एमिट करते हैं, तो इसका आंसर है सेम फ्रिक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज। तो वो सेम फ्रिक्वेंसी की होती हैं, सेम एम्पलीट्यूड उनका होता है और सेम फेज होता है। तो लेज़र जो है वो एक डिवाइस है जो कि एमिट करती है लाइट, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। जो प्रोसेस यूज होता है तो उसे ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जो कि बेस्ड होता है ऑन द एमिशन ऑफ फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ लाइट कहते हैं उनके। तो इस क्वेश्चन से बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन, तो इसका आंसर है जियोथर्मल एनर्जी। तो सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी जो है जिसके बारे में हम जानते हैं तो वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एक हीट एनर्जी है जो कि जनरेट होती है और स्टोर्ड होती है इन द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी जो कि हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर से देखते आ रहे हैं कि सम कंट्रीज में कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। तो इस क्वेश्चन से बस इतनी इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स वी यूज इंडिगो ड्यू टू इट्स, तो जब भी हम कपड़ों को धुलते हैं तो हम इंडिगो का इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग करने के बाद। तो इसका आंसर है प्रॉपर पिगमेंटल कंपोजिशन। तो इंडिगो के बारे में बात कर लेते थे, इंडिगो जो है वो एक डाई है जो कि सभी कलर से डिफरेंट होती है। तो अगला क्वेश्चन है, अ पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप ड्यू टू, तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉन्ड होता है वाटर का, तालाब जिसे बोलते हैं, वो लेस डीप मतलब कम गहरा क्यों दिखाई देता है, किस प्रोसेस के थ्रू वह कम गहरा दिखाई देता है। तो यह जो हमें कम दिखता है गहरा, कम गहरा दिखता है, तो ये रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। रिफ्रैक्शन मतलब कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जो लाइट जो है वो पास होती है, तो ये रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है, जो क्योंकि लाइट में बेंड हो जाती है ना लाइट, इसी वजह से, तो ये प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, तो इसका आंसर है इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया के बारे में बताता है, और इसे हम ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इसे हम इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसका फर्स्ट लॉ जो बताता है कि
एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक इस रेस्ट की पोजीशन में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में रहेगा किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, अनलेस कंपेल्ड टू अ चेंज, जब तक उस पर कोई चेंज अप्लाई नहीं हो रहा है, या चेंज से हम कह सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, तब तक वो इस रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो वो उस पोजीशन से हट के फिर वो मोशन में आ जाएगा। तो ये नॉर्मली हम इनर्शिया की डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से बस इतनी इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, थर्म इज द यूनिट ऑफ, थर्म जो है वो किस चीज़ की यूनिट है, तो ये यूनिट है हीट की। तो ए यूनिट ऑफ हीट जो कि कंटेन करती है 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसे हम BTU भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन हेड लैंप्स ऑफ कार्स, जो कार्स के हेड लैंप्स होते हैं उनमें किस टाइप का मिरर यूज होता है, तो इसका आंसर है पैराबोलिक कॉनकेव। तो पैराबोलिक कॉनकेव मिरर है तो ये यूज किए जाते हैं इन द हेड लैंप्स ऑफ कार्स। अगला क्वेश्चन है, अ पैराशूट डिसेंड स्लोली वेयर एज अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट फॉल रैपिडली बिकॉज, जो पैराशूट है वो धीरे धीरे मतलब उतरता है, और स्टोन जो है अगर हम उसी हाइट से ड्रॉप करते हैं या गिराते हैं तो वो क्या करता है, वो जल्दी ही गिर जाता है, फॉल हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि पैराशूट हैज़ लार्जेस्ट सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस इज मोर, जो पैराशूट है तो उसमें लार्जेस्ट सरफेस एरिया होता है और एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो भी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टोन, इसलिए पैराशूट जो है वो धीरे धीरे उतरता है इन मुकाबले स्टोन के। अगला क्वेश्चन है, द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन द एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका आंसर है टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड। तो पूछा गया है कि द स्विंग ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन द एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, तो बॉल जो है जब वो स्पिन होती है तो वो स्विंग हो जाती है एयर में, तो वो किसके थ्रू होता है, तो इसका आंसर है टर्बुलेंस कॉज बाय विंड, जो विंड के द्वारा टर्बुलेंस होता है उसकी वजह से बॉल जो है वो स्विंग कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन अ फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, जो फोटो सेल है तो उसमें लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फोटो सेल जो है उनको फोटो रेजिस्टर्स कहते हैं, जो कि मेड अप ऑफ होते हैं हाई रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर। तो अगला क्वेश्चन है, एन एग सिंक इन सॉफ्ट वाटर बट फ्लोट्स इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जो एग है वो सिंक कर जाता है सॉफ्ट वाटर में बट फ्लोट करता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड उसमें क्या करता है, फ्लोट कर जाता है, और उसमें और सॉफ्ट वाटर में क्या करता है, सिंक कर जाता है। तो इसका आंसर है द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सीड्स द डेंसिटी ऑफ एग्स, तो डेंसिटी जो है सॉल्ट सॉल्यूशन की वो एक्सीड कर जाती है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ एग्स। तो डेंसिटी जो है वो एग की वो एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ टैप वाटर वो क्या है, लेसर है इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग सोप, जो प्रोसेस हम यूज करते हैं सोप की मेकिंग में मतलब सोप को बनाने के लिए, तो इस तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सोप की मेकिंग होती है, सोप को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ किलो वाट आर इज द यूनिट ऑफ, जो किलो वाट आर है तो ये किस चीज़ की यूनिट है, तो इसका आंसर है पावर, जो किलो वाट आर है तो यूनिट है पावर की। अगला क्वेश्चन है, स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, स्मोक जो है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो स्मोक जो है वो स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन है। तो स्मोक के बारे में तो बात कर लेते हैं, तो स्मोक जो है वो एयर पोल्यूशन है जो कि
विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि स्मोक के द्वारा हम देख नहीं सकते, मतलब अगर ये प्रेजेंट होता है एयर में तो, क्योंकि ये पोल्यूशन होता है तो पोल्यूशन में जानते हैं हम लोग को ज़्यादा ठीक तरीके से विजिबिलिटी नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है। तो ये कोल बर्न करने की वजह से होता है, जो कि इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं सब निकलता रहता है एयर जो है, तो कि स्मोक कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, स्पेक्टिकल्स यूज फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स है। तो स्पेक्टिकल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं 3D फिल्म्स को देखने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको पोलराइड्स कहते हैं। तो पोलराइड्स जो है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड 3D ग्लासेस होते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं इल्यूजन ऑफ 3D इमेजेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग द लाइट दैट रीचेस ईच आई। अगला क्वेश्चन है, विच सर्किट एलिमेंट इज यूज टू ब्लॉक DC इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा सर्किट एलिमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है टू ब्लॉक डायरेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने के लिए किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, मतलब कौन से सर्किट एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं टू ब्लॉक DC इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इसका आंसर है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर जो है वाइडली यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फॉर ब्लॉकिंग डायरेक्ट करंट और अलाउ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट टू पास। तो फिल्टर नेटवर्क उसमें, तो फॉर स्मूथिंग द आउटपुट ऑफ पावर सप्लाई, जो कैपेसिटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जो कि जैसे कि बताया कि ब्लॉक कर देते हैं डायरेक्ट करंट को और अलाउ कर देते हैं अल्टरनेटिंग करंट को पास करने के लिए फिल्टर नेटवर्क में। तो ये क्या करते हैं, स्मूथ कर देते हैं द आउटपुट ऑफ पावर सप्लाई। तो अगला क्वेश्चन है, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। तो सभी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो वीकेस्ट की बात हो गई, स्ट्रॉन्गेस्ट जो फंडामेंटल फोर्स होता है तो वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार जो प्रोसेस है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है द एंटायर बल्क ऑफ द बार गेट मैग्नेटाइज। जो पूरा बार जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्रोसेस होता है मैग्नेटाइजेशन का, तो इसमें क्या होता है, तो जो फॉर्म्ड पीसेज होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं नॉर्थ पोलैरिटी एक एंड में और साउथ पोलैरिटी दूसरे वाले एंड में। दो ही तो एंड होते हैं, एक नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला, तो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत ही कम समय में ये नॉर्थ पोलैरिटी और साउथ पोलैरिटी जो है वो डेवलप कर लेते हैं मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर। तो जो हेयर होते हैं शेविंग ब्रश के, तो वो हट जाते हैं जब वो रिमूव किए जाते हैं वाटर के द्वारा। तो इसका आंसर है, ये किसके थ्रू होते हैं? तो ये सरफेस टेंशन के थ्रू होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि, तो इस वजह से होता है क्योंकि जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर होता है तो वो ट्राई करता है टू एक्वायर अ मिनिमम सरफेस एरिया, ताकि कम सरफेस एरिया वो यूज़ कर सके। अगला क्वेश्चन है, वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज। तो वेंटिलेटर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं नियर द सीलिंग ऑफ द रूम। तो इसका आंसर है द एक्सहेल्ड वार्मर एयर राइजेज अप एंड गोज आउट। तो क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि वेंटिलेटर्स जो है वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं नियर द सीलिंग ऑफ द रूम। तो क्योंकि एयर जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब जो हम छोड़ते हैं एयर,
तो एक्सहेल करते हैं तो वो होती है वर्म। तो ये क्या होती है, वेंटिलेटर्स के थ्रू ये बाहर चली जाती है, ये बाहर निकल जाती है थ्रू विंडोज एंड डोर्स। अगला क्वेश्चन है, अ बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप इन टू द एयर, द बॉल फॉल्स। तो एक बॉय है जो कि कार में बैठा हुआ है, ओपन कार में, जो कि मूव कर रही है विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो वो थ्रो करता है बॉल को स्ट्रेट अप इन द एयर, मतलब एयर में वो थ्रो करता है, तो बॉल जो है वो किधर जाके गिरेगी, तो बॉल जो है वो पीछे की तरफ जाके गिरेगी, जिस जैसे कि इसका आंसर है बिहाइंड हिम, मतलब उसके पीछे। तो कोई भी चीज़ अगर हम थ्रो करते हैं एयर में तो वो पीछे की तरफ जाके गिरती है। तो ये इनर्शिया की वजह से भी होता है, तो इनर्शिया जो है वो रेजिस्टेंस है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जो कि मोशन स्टेट है वो उसको चेंज कर देता है, या फिर रेस्ट की पोजीशन है उसको चेंज कर देता है। और इसी वजह से बॉल जो है वो उसके पीछे जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट द हायर एल्टीट्यूड। तो इसका आंसर है ड्यू टू लो एयर प्रेशर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हायर एल्टीट्यूड पे डिफिकल्ट क्यों होता है हमारे लिए टू ब्रीथ, मतलब ब्रीथ करना, तो हायर एल्टीट्यूड पे क्यों डिफिकल्ट होता है। तो इसका आंसर है ड्यू टू लो एयर प्रेशर। तो लो एयर प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी भी होती है क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फर्दर अपार्ट होते हैं, मतलब उसमें प्रेशर की कमी हो जाती है। लो एयर प्रेशर होता है जो कि पुश करता है उनको टुगेदर, मतलब एक साथ रहने के लिए पुश करता है, तो ये लो कर जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो इस वजह से हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है टू ब्रीथ एट द हायर एल्टीट्यूड। और इसमें हाइपोक्सिया एक वर्ड जो कि कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है उस तो नेचर में वो कौन सा है। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फोर्स है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो ये है न्यूक्लियर फोर्स। और इससे पहले हमने पिछले क्वेश्चंस में क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, तो वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो ये न्यूक्लियर फोर्स है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर है ब्लू। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पूछा गया कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब किस लाइट किस कलर की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में। तो वो ब्लू कलर की जो होती है वेवलेंथ, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जिसका वेवलेंथ होता है 425 से 450 नैनोमीटर, 425 से 450 नैनोमीटर। और इसी में रेड कलर की बात करें तो उसका होता है 600 से 700 नैनोमीटर। तो ये दोनों कलर की बात बोला कि इन दोनों कलर्स की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, लेकिन इसमें एक के बारे में बताएं तो वो ब्लू है। तो सबसे पहले ब्लू की ही बात होती है, रेड तो उसके बाद आता है। तो आज के क्वेश्चंस बस यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।